मेहमान आते हैं तो उन्हें से फिर के चल जाते हैं इसमें रास्ता नहीं है भुला भरते कोई से पूछते हैं तो कोई रास्ता नहीं बताते हैं कहाँ बताते हैं उन्हें से लौट के मेहमान चल जाते हैं नमस्कार मैं तीन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी सिवान आपको बता दें कि न्यूज टीवी सिवान चले की जो टीम है वो पहुँच हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हर थाना क्षेत्र के कौड़िया में अभी कौड़िया गांव में मौजूद हैं एक टोले में मौजूद है आपको बता दें कि यहां जो है एक सड़क को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है बताया जा रहा है कि इस गांव में एक सड़क है जो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया जिससे यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर गांव के जो कुछ लोग हैं आप देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुष हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और इन लोगों ने सड़क पर जमकर यहाँ पे हंगामा भी किया है प्रदर्शन भी कर रहे हैं हालांकि न्यू टी सीमांचल की टीम को बुलाया गया है न्यू टी सीमांचल की टीम आज यहाँ पहुँची है इन लोगों से बात करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर की समस्या क्या है आ, कैसा रोड है और ये रोड पहले चालू था अभी क्यों बंद कर दिया गया है कई सारे सवालोंगे और सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कैमरे के पीछे जब हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो इन लोगों ने कहा कि मैं अपनी समस्या को लेकर सिर्फ यहाँ के लोकल अधिकारियों तक नहीं गया था बल्कि प्रधानमंत्री तक भी गए थे लेकिन वहाँ से भी जो है सिर्फ आश्वासन दिया गया लेकिन अभी एक से दो साल हो रहे हैं लेकिन अभी भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है जिसको लेकर ये लोग काफ़ी गुस्से में हैं और अब सड़क पर उतर अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग जो हैं अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं अला अधिकारियों से न्याय मांग रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द रास्ता दिया जाए ताकि जिस तरह से हम लोग को आने जाने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है ऐसे में ना करना पड़े तो क्या कुछ समस्या है इन समस्या को जानने के लिए अभी की टीम यहां पहुंची है आइए देना करते हुए चलते हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं खातून खातून रास्ता के लिए मामला मामला पांच छह साल हो गए हमारे लोग को बच्चा है उसको पढ़ने में आने जाने के बहुत दिक्कत है।, है, है हम ये लोग चाहते हैं कि हमको फाइनल चाहिए रास्ता हाँ इतना ही दिक्कत है हम लोग मैयत मर जाता है तो हमको उठाने में ले जाने में बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है हमको कुछ बीमारी मरीज है उसको टांग के ले जाना पड़ता है उसकी सड़क पर हाँ तो हमने के दिक्कत बा हमने के ये रास्ता के चाहिए त चाहिए हाँ इतना ही के दिक्कत है हमारे शादी हुआ नू तो पूरा हमको गाड़ी से यहाँ पर आया था यहाँ पर गाड़ी आया था अब ये राय जी ने ये बंद कर दिया रास्ता हाँ ये बात के मामला यहाँ फंसा हुआ है ये जल्दी फाइनल कीजिए आप अच्छा ये बताइए कि पाँच साल पहले आप लोग जाते थे आते थे हाँ गाड़ी से पाँच साल से बंद किया गया हाँ ऐसा क्यों बंद क्यों किया गया रास्ता फिर ये ये बंद किया ये जमीन के लफड़ा के गणमजुरवा ये आम गणमजुरवा है पहले हम लोग आते हैं जाते हैं अब साफा बंद कर दिया बच्चों हमने के पढ़ा लिखा अनपढ़ होकर घर पर बैठे हैं गाड़ी आते जाते नहीं है तो हमको बच्चा भी में कैसे जाएगा बताइए आप हमने के ये चाहिए हमको गाड़ी मस्जिद के लेके आइये को बच्चा पढ़ने जाएगा बसतपुर मलमलिया भगवानपुर मिया भगवानपुरमान के यही दिक्कत है किसने बंद किया नंदलाल न जादू ये ये दिक्कत बा के तो अपने प्रशासन से कभी या सी साहब से अपनी समस्या रखिए हाँ हमको बहुत

मेहमान आते हैं तो वहीं से फिर के चल जाते हैं इसमें रास्ता नहीं है भुला भट्टे कोई से पूछते हैं तो कोई रास्ता नहीं बताते हैं कहाँ बताते हैं वहीं से लौट के मेहमान चल जाते हैं तो हमने के यही चाहिए, चाहिए हमने के रास्ता चाहिए हमने के फाइनल रास्ता चाहिए चार चक्का का रास्ता हमने के मस्जिद तक ले रास्ता चाहिए अधिकारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और सी साहब जो आपके हैं स्थानीय उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे सी साहब कहना है जी आइए आप हमने के रास्ता फाइनल कीजिए यही बात आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं इस गांव की ये काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं गाड़ी से वो गाड़ी यहाँ पे आ नहीं। पाती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और ये घर पर बैठे रहते हैं तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इन महिलाओं को तो बता दें कि कुछ महिलाएं और हमारे बीच मौजूद हैं थोड़ा सा उनसे और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहती हैं आप देख सकते हैं कि महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। नाम का पड़ी आपके? रास्ता के लिए के? जी, जी, का दिक्कत वही है जो हम लोग को बहुत दिक्कत है हु? आने जाने के पढ़ने के मेहमान आते हैं तो भाग जाते हैं वहाँ से कब से दिक्कत होते जी जी रास्ता बंद का है कलुबा चालू रह जब रास्ता पहले चालू है तो बंद रहे वो ऐसा ही रास्ता बंद कर दिया कोई से जाने हालांकि रास्ता बंद नहीं खे आदमी तो आते जाते बैठे हैं थोड़ा सा थोड़ा चाकर चाहिए चा, हाँ, हा, हाँ, हा, मेहमान आते हैं लोग तो कहते हैं जो इसमें रास्ता नहीं हम लोग शादी नहीं करेंगे हम लड़का लड़की के शादी करना है ऐसा ही पढ़ा है पढ़ा लिखा अनपढ़ होके घर पर बैठा है लड़की के हमारी शादी नहीं हो रहा है लड़का का शादी नहीं रहे मेहमान घर पर आएंगे नहीं तो शादी होगा कैसे हाँ बताइए मेहमान आएगा तब तो शादी तो होगा हाँ शादी नहीं होगा हमने के ये चाहिए जे आपसे हमने के ये मेहरबान चाहते हैं जो हमने के सड़क चाहिए आपका नाम क्या है नूर हसन अंसारी नूर हसन अंसारी आ, कौन सा गाँव ये कोरिया टोला इंदर है मस्जिद मस्जिदिया टोला मस्जिद टोला है अच्छा ये जो समस्या आप लोग की आ रही है सड़क को लेके के कैसा सड़क और कब से आ रही समस्या ये ये समस्या कम से कम तीन चार साल से आ रहा है ठीक है पहले ये रास्ता पे गाड़ियाँ आती जाती थी अब काफ़ी देर जो है ना दबंगों ने मिल के उनके घर जुड़वा दिए और जुड़वा के वो क्लोज करा दिए बंद करा दिए इसके बाद हम लोग किसने केस किए केस करके सब में उसमें जो है ना हम लोग डिग्री पा लिए ठीक है लेकिन सी साहब आते हैं और भेजाते हैं दो बार भी वो आया था जो मैं क्या कहते हैं अमीन भी आया था सरकारी अमीन इन लोगों ने इधर उधर करके अमीनवाड़ी नहीं करा है ठीक है कौन लोगों ने सी ओ साहब और जो डब्लू है एक जो डब्ल्यू जिला परिषद के ठीक है डब्ल्यू यादव ठीक है इनके जाति पक्ष के हैं जो इनके जो है ना सपोर्टिंग में करते हैं जो अच्छा। जो बार जो है नहीं हुआ ठीक है जो तीन बार हम लोग बहुत परेशान में है जो बच्चे को आते हैं बरसात में बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए ठीक है स्कूल भी है और जो बारात उरात होता है हम लोग दूसरे के खेतों में लेके आते हैं वो भी जो है ना खुदाई कर देता है वो ठीक है इसलिए हमें बहुत परेशान है थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते की आप बात है रास्ता कौन सा है आपका ये वाला रास्ता है ठीक है अच्छा ये जो हाँ रा है। है। ये रास्ता रहा है।, है रास्ता है ये रास्ता है आपका हाँ ये वाला रास्ता है जो हमारे जो आगे जो है ना वो बंद करा दिया है ठीक है सरकारी रास्ता है कैसा रास्ता नहीं जो ये घर मजुआ है आम घर मजुआ है ठीक है हाँ आम घर मजुआ है जिसपे हम पहले चलते थे मलिकाना मलिकाना आम घर कौन करवाया हाँ हम लोग आपस से कराए जो हाँ हाँ मिलकर कराए ठीक है इस रास्ते से पहले आप लोग जाते थे? हाँ गाड़िया भी आते थे बंद, बंद कराया इन्हें राय जी ने नंद लाल राय और हाँ और वाले कोमरिया टोला इंद्र राय मस्जिदिया टोला ठीक है अच्छा हाँ, वो जो न्यू वाला घर है वही, हाँ, हाँ, वही है बंद करा दिया ऐसे जो उनके कोई जमीन के कोई विवाद था पहले थोड़ी सा घेरा और घेर के बोला चलो एक आदमी के लिए मैं बंद किया हूँ और, और को ना आने जाने देंगे धीरे धीरे बंद करते करते पूरे बंद करा दिए अच्छा हाँ तो इससे तो आ, काफी लोग को नुकसान हुआ है आ, हाँ। अब देख रहे हैं हमें कितना दिक्कत है आने जाने में अभी तक तो खैर बारिश नहीं हो रहा है तो कोई सही है अब बारिश हो जाता है बहुत दिक्कत होता है ठीक है तो सिर्फ एक ही आदमी ने रास्ता किया जी इसी गाँव के लिए पूरे गाँव के लिए एक ही है तो गैर जमीन पर कैसे कब्जा कर रहा है वो गैरमजुरा जमीन पर बताता है अपना दूसरा नंबर बता देता है जो जो नंबर है ना वो नहीं दिखा रहे हैं ठीक है जो उसके दूसरा नंबर है वो दिखा रहे हैं ठीक है हम सी साहब से भी बहुत कंप्लेन किया फिर भी नहीं मान रहे हैं ठीक है उस पर नहीं बोल बोल रहे दूसरे जगह से रास्ता देंगे हमारे मेन रास्ता ये है बोल रहे हैं जिधर से रास्ता दे देंगे तो ये जो आप बता रहे हैं कि जमीन जो है गैर गैरमजुबा है ये रास्ता गैर गैरमजुरा में ही है तो ये रास्ता ऐसा तो नहीं कि उस जमीन को उन्होंने लिखवाया हो जी जी कुछ नहीं है कोई झंड जी कुछ नहीं है जो लिखवाया बगल में लिखवाया है वो उसमें नहीं बनाया है ना अच्छा, हाँ हाँ बगल का जो जो हाँ, हाँ वो हाँ वो लिखवाया है पहले से जो उसमें नहीं बनाया है जो आमघर मजुराबा था जिसमें हम आते जाते थे वो वो कभी रास्ता को रोका गया हाँ वो रोक लिया है आप लोगों ने कम्प्लेन कहाँ कहाँ की इसके लिए देखिए इसके लिए तो हम जो है ना महाराजगंज भी कम्प्लेन किए ठीक है नीतू सिन्हा के उसके बाद इन लोगों के पास भी किया था उसके बाद जो है ना जब नहीं हुआ जब पी के पास किए पी के पास से हमारे चार जो है ना वो आया है कागज आया है ठीक है चार मोहर मार के आया है फिर भी इन लोगों ने नहीं मान रहे कुछ लिख के भेजा देते हैं सी सबसे गंदा तो सी है यहाँ के कोई काम जो है ना क्लियर नहीं कर रहे हैं ठीक है क्लियर नहीं कर रहे हैं और लिख के भेजा देते हैं चलो ये है, क्लियर हो गया उसके बाद भी ये पटना ये अप्लीकेशन हम पटना भी डाले थे पटना से भी पूरा क्लियर हो क्या है जो भाई रास्ते को क्या हुआ है वो तो आपको कागज़ में दिखा रहा हूँ ठीक रहा है यानी जितने भी अला अधिकारी हैं उनके पास आप जा रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं शांत दिया जा रहा है जी हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो रहा है बस हो जाएगा वो चाहते क्या है हम चाहते, दे दे हुई हुई आ, हम चाहते है भाई हमारे रास्ता दे दे बस हमारे आने जाने के बहुत कठिनाई हो रहे हैं ठीक है दिक्कत हो रहा है ये चीज हम चाहते है रास्ता हमें मिले लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना चाह रहे हैं जो है ना वाला अधिकारी से भी मांग रहे हैं ठीक है वो नहीं करा रहे हैं ठीक है आपका नाम क्या मियाँ मियाँ ये रास्ता को जो मामला फंसा हुआ है रास्ता आप लोग का क्लोज कर दिया गया है नहीं बंद कर दिया गया है किसने बंद किया है आपका रास्ता नंदलाल नंदलाल क्या नाम पूरा नाम क्या है यादो है। तो मतलब रास्ता बंद क्यों किया गया? बंद उनकर जमीन एक आदमी पकड़ जी, तो कौलन हमारे जमीन पकड़ ले तो गाँव हमारे साथ नहीं तो हम रास्ता बंद क दे रास्ता बंद कर ले सरकारी जमीन, हो। जमीन है गरमी हाँ ऊपर लोग दूस, दूसरे पहले से आता है जाता है ये से नहीं आता है इस रास्ते से बंद होने से कितने लोग को मतलब दिक्कत हो रही है दिक्कत तो पूरा दस टोला के बाद जितना खेत सब लोग आवेल खेत में अपना की ना जी जी. तो अपना खेत में आता केम है तो मलमलिया होके ये रास्ता कब से बंद किया गया ये रास्ता किया है पाँच छः बरस से बंद पाँच छह साल से बंद है हाँ तो आप लोग कैसे आ कैसे आके रह, जा रहे है वो छोड़ा है खुद रास्ता मैंने आदमी आने जाने लगे पूरा कैप्चर कर दिया है यानी आप लोग को गाड़ी आने जाने का साधन चाहिए हाँ हाँ वो नहीं मिल पा रहा है आपको नीला ना, आप लोगों ने कम्प्लेन भी किया कई जगह है हाँ, कम्प्लेन तो पूरा भारत में हुआ है फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है न सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आखिर आप लोग नहीं हो रहा है जो सीओ मिला हुआ है हिंदू मियाँ कही यहाँ हो गया है यानी जातिवादी चला है हाँ अगल बगल में सब हिंदू है उसका सपोर्ट कर देता है इंक्वायरी आता है तो दूसरा कागज दिखा देता है ये कागज नहीं दिखाता है रोड वाला यानी आ, फिर इस रास्ते से दिक्कत किसको है किस जाति को दिक्कत है फिर? खाली मुसलमान के और आदमी अपना खेती में जाता है उनको दिक्कत है हाँ तो खेत में जाता तबे मगर यहाँ कोई बात हुई यहाँ कोई तबियत खराब हुई तो, तो कै लोग यानी यहाँ पे सिर्फ रास्ते को लेकर मामला नहीं फंसा जबकि जातिवादी वादी भी मामला सामने आ जाति मामला है जातियों दबंगों ने मिलकर वो घर जुड़वाया है ठीक है दबंगों ने बैठ के वो घर जुड़वाया है

कारण कहा का का रुकल जताल जेता कि जमीन के है केव केुकाले ले बात बात तो खैर हमरा मालूम नहीं खे, लेकिन है लेकिन इतना भर जानते नहीं कि रास्ता रहे चार चक्को गाड़ी आवे जाए बाद में वो बन उ बंद कहे के परेशानी से ही बात के मोहल्ला में अगर के तबियत तो खराब होता तो के गोदी में उठा के ले रोड पर वहाँ गाड़ी में बैठा के तब तो लेकर आदमी जाता बच्चा जाता रह पढ़े खातिर स्कूल में वो गली में इतना पानी लग जाता बेचारा गिर जाता रसो कपड़ा खराब हो जाता रिटोन आ जाता रसो तो एक सुविधा सरकार के देखे के चाहिए ये का कमी बा का बा बाकी सरकार पब्लिक के सुविधा खातिर है तो एक बारे में सब जगह कार्रवाई कह के सब कुछ कह के हार गई बात भी लेकिन सुनवाई कहीं नहीं अच्छा एक सिर्फ रास्ता के लेके मामला फसल बांटे में जातिवादी के भी सामने हाँ। दे दिया जाता ऐसे जितना मैंने साफ प्रक्षे साफ प्रक्षे लोग ताजे में जाति पक्ष बा अगर दूसरा बिरादर होता तो ये क्लियर हो गया होता अगर जातिवादी बांटे तो फिर जो पहले रास्ता लोगों को दिया ही रहे तो पहले कहा जातिवादी देखा जाता है के जमाना जगह जमीन के मामला तो तो अगर हो एक आदमी सो ही सबसे थोड़े हो, तो हो गए तो के के अधिकारियन के, आ, की अपनी बताया हां दो बार सरकारी अमीन यहां पे आया है दोनों दिन नापी किया है कोई डिक्लियर देकर नहीं गया है आखिर उसको किस लिए बुलाया गया चलिए आपको हम बता दें कि अभी टीम जो है वो सीवान जिले के भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के कौड़िया के टोले में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है बताया जा रहा है कि इसी गांव के एक यादव जी हैं जिन्होंने रास्ते को क्लोज किया है हालाँकि कुलो रास्ता क्लोज नहीं है हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये वही रास्ता है जो गांव में एक देहात का जो रास्ता होता है वही रास्ता है और साथ में जो आप देख सकते हैं कि ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये पतली सी गली आपको दिख रही होगी इसी गली से लोग जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहने का मतलब है कि हमें जो है कम से कम चार चार गाड़ी जो है यहाँ से आ जाए उतना रास्ता हम लोग को चाहिए तो ये रास्ता जो है यहाँ के लोग को नहीं मिल पा रहा है जिसको लेकर ये लोग जो है काफ़ी गुस्से में हैं बता दें कि काफ़ी स्थानीय लोग जो हैं आक्रोश में हैं क्योंकि लगातार बताया जा लगाता रहा, रहा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं जो आ, इनके गेस्ट लोग हैं वो भी घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जब गाड़ी का आने के जाने का साधन नहीं मिल पाएगा तो गेस्ट कैसे आएंगे काफ़ी दूर गाड़ी खड़ा करके यहाँ पे आना पड़ा है क्या कुछ सच्चाई है ये तो दूसरे पक्ष से बात करने के बाद ही पचल पाएगा क्योंकि जिस पे आरोप आ रहा है कि जो यादव जी हैं जिन पे आरोप आ रहा है कि उन्होंने रास्ता क्रोच किया है तो हम अगर हम चाहेंगे कि अगर मेरी खबर आप भी देख रहे हैं तो आप भी हमसे संपर्क कीजिएगा हम आपकी समस्या सुनेंगे जनता के बीच रखेंगे अधिकारियों के बीच रखेंगे तभी जाके मामले की जो है आ, सच्चाई पचल पाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था सच्चाई क्या है किसने रास्ता रोका था तो अगर खबर आप देख रहे हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग का समस्या है क्या इस समस्या का समाधान हो पाता है क्या यहाँ के जो अलाधिकारी हैं वो आ, इनकी समस्या दूर कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज टीवी सिंह की टीम आज यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे बने हमारे भी देखते रहिए न्यूज टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट